हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने बनाई है अमीन की। ये प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे जब इसका फॉर्म आया था, तो उसके जो है कुछ प्रश्न हैं उनके हल मैं बता रही हूँ। और चूंकि इसका 2020 की वैकेंसी आई हुई है जिसमें कि फिलिंग फॉर्म का जो डेट है 23 दिसंबर से स्टार्ट है और ये 22 जनवरी तक लास्ट डेट है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है और इसका एग्ज़ाम का भी डेट उसी में दे दिया गया है। ये फरवरी में होगा, 15-16 फरवरी 2020 को। तो आप ना इसकी तैयारी देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, इसका क्वेश्चन देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे मैंने रखे हैं कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, और इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं है, मैं और एक वीडियो बनाऊंगी उसमें टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे, दो वीडियो होंगे इसके, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग है और उसके जो अध्यक्ष बने सबसे पहले भारतीय, तो ये थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, ये हम सभी जानते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये दक्षिणतम बिंदु जो है इसकी स्थिति क्या है। आपको बताना है कि कर्क रेखा से इसकी स्थिति किधर है, या मकर या फिर भूमध्य रेखा। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, तो आप प्लीज जो भी क्वेश्चन पढ़े तो उसे डिटेल में जरूर पढ़े। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणतम बिंदु भारत का ये पड़ता है भूमध्य रेखा के उत्तर में। क्वेश्चन है अगला कि शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एटीमोलॉजी। शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन एटीमोलॉजी कहलाता है, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है व्युत्पत्ति शास्त्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पारिस्थिति विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जीव और वातावरण के बीच संबंध। पारिस्थितिक विज्ञान जो है जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताता है। क्वेश्चन है कि फाइलेरिया इनमें से किससे फैलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मच्छर से फैलता है, ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन है अगला कि ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल का आयाम क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 28 m और 15 m का, जो कि 28 बाई 15 मीटर है। क्वेश्चन है कि सूर्य के संपर्क से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है, क्योंकि? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है। क्वेश्चन है कि राजीव गांधी की पहली पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में मनाया गया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एंटी टेररिज्म डे। इनकी मृत्यु जो है 21 मई 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था। तो याद रखिए इसे कि राजीव गांधी की पहली पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में, तो एंटी टेररिज्म डे यानी कि आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है और यह मिट्टी मोटे अनाज के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत का एकमात्र राज्य जो कि केसर का उत्पादन करता है कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन है फिर कि भारत में प्रवाल भित्तियां जिसे कि कोरल रीफ कहा जाता है, ये कहाँ पाई जाती हैं?
आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ये जो है रामेश्वरम के निकट पाई जाती है, रामेश्वर के निकट पाई जाती है। क्वेश्चन है कि फैदोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई। फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई। क्वेश्चन है अगला कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकंड उत्पादन करता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 5 मिलियन। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन जो है ये अस्थि मज्जा में होता है और ये प्रत्येक सेकंड 5 मिलियन उत्पादन करता है। क्वेश्चन है अगला कि डैश सैकड़ों लोगों को पूरे विश्व में बांधता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वेब। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एलआईसी का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। क्वेश्चन है कि बीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। बीबीसी का पूर्ण रूप ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। क्वेश्चन है कि व्हेल BHEL का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। क्वेश्चन है कि अयस्क के साथ मौजूद अशुद्धियां इनमें से कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैंग। अयस्क के साथ जो अशुद्धियां रहती है उसे गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मिट्टी के तेल में धातु है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। इसे थोड़ा सा समझ लीजिए कि पोटेशियम और सोडियम जो होता है ये बहुत ही क्रियाशील धातु है जो कि आसानी से हवा, पानी और ऑक्सीजन के साथ, इन सब चीजों के साथ अभिक्रिया बहुत ही तेजी से कर लेती है। इसी चीज से बचने के लिए पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन है अगला कि पीतल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल ये तांबे के मिश्र धातु हैं। तांबे के अतिरिक्त और कौन सी धातु इन तीनों में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जस्ता। पीतल की पहले हम बात कर लेते हैं, तो पीतल में क्या-क्या होता है? तांबा होता है और जस्ता होता है। ओके, एंड फिर जर्मन सिल्वर की बात करें हम, जर्मन सिल्वर की, तो इसमें होता है तांबा, जस्ता और निकेल। फिर होता है गन मेटल। गन मेटल में देखें हम तो इसमें क्या क्या होता है? तांबा होता है, जस्ता होता है और इसमें टीन होता है। तो इसमें आपका यहाँ पे बोल दिया गया है कि तांबे के अतिरिक्त, यानी कि तांबा तो तीनों में कॉमन है ही, इसके अतिरिक्त और कौन सी जो है धातु इन तीनों में पाई जाती है? तो इन तीनों में कौन सी धातु पाई जाती है कॉमन रूप से? तो जस्ता। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा जस्ता। क्वेश्चन है अगला कि एलपीजी के साथ किस रासायनिक यौगिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल मरकैप्टेन। एलपीजी में गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है। क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण इनमें से कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। क्वेश्चन है कि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए,
बी गैल्वेनोमीटर की सुई ये शून्य के दोनों तरफ जाएगा। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए अवरक्त किरणों का गलत प्रयोग करता है, किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरणों, सॉरी एक्सरे का। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट है कि सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। क्वेश्चन है कि तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया कि सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन से बना होता है कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, स्पेक्ट्रम विश्लेषण। क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र 19 वर्ष की महिला इनमें से कौन थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, डिक्की डोलमा। अब एक चीज ध्यान दे दीजिए कि ये क्वेश्चन चूंकि 2014 का ही पूछा हुआ है, तो उस टाइम जो सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी वो थी डिक्की डोलमा, 19 वर्ष की। लेकिन वर्तमान में अभी जो अगर पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली महिला, तो ये हरियाणा की शिवांगी गुप्ता है जो कि 16 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। और इसमें जो एग्जाम हुआ था इसमें 10 क्वेश्चंस था हिंदी से, तो उसका भी मैंने दे दिया है। और इसका एक और पार्ट जो मैं बनाऊंगी उसमें भी हिंदी के काफ़ी क्वेश्चन थे, तो वो भी मैं जरूर दूंगी। और फिलहाल मैं बता दूं कि हिंदी के लिए स्पेशल वीडियो मैं जल्द ही स्टार्ट करूंगी, जो कि आपको बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का जो मेंस होगा उसमें भी हिंदी के हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन दोनों में आपको वो काम आ जाएगा जो मैं स्पेशली हिंदी के पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसे जरूर देखें। फिलहाल देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो अक्षर या फिर वर्ण कहलाती है। यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे दिया गया है संसारिक, इसका शुद्ध रूप यानी कि ये गलत लिखा हुआ है, तो संसारिक का शुद्ध रूप हम कैसे लिखेंगे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शांसारिक, ये हमारा सही शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अतिरिक्त शब्द में डैश उपसर्ग है, मीन्स कि इस ये जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अति। उपसर्ग कहते हैं जो शब्द के पहले लगा जाता है और प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगता है, तो इसमें जो है उपसर्ग कौन सा है? तो अति। फिर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित वर्णों के मेल से बने मानक हिंदी शब्द को पहचानिए, ये आपका दिया गया है, इससे कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बताना है। तो ये तो ऐसे भी दिख रहा है जब हम लोग इसे तोड़ तोड़ के लिखा हुआ अगर जोड़ के भी देखते हैं तो अनुभूति ऐसा हमें लग रहा है, तो अनुभूति के चार ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि अब अनुभूति में आपको शुद्ध रूप चुनना है कि कौन सा इसका सही होगा। तो इसमें सही जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये अनुभूति सही है। फिर है क्वेश्चन कि इनमें से कौन अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेज। तेज जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी अनल, पावक, आग ये सारे के सारे अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है पत्थर की लकीर, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दृढ़ रहना। पत्थर की लकीर जैसे हम लोग जनरली यूज भी करते हैं कि मेरी बातें, एक कही हुई बातें पत्थर की लकीर, मीन्स कि जो बातें हमने कही उस पे हम दृढ़ रहेंगे, तो पत्थर की लकीर का अर्थ क्या हो गया? दृढ़ रहना। फिर है क्वेश्चन कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवयित्री। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनकर। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या? जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। तो दिनकर किसी व्यक्ति, अ पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम बताया गया है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। बाकी के गांव से पूरे गांव का बोध होता है, पुस्तक से बहुत सारे पुस्तक का बोध होता है, कमल पार्टिकुलर कोई किसी कमल के बारे में नहीं बताया गया है ये फूल। तो इसमें दिनकर जो है क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन है कि सीता कलम से लिखती है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, करण कारक। सीता कलम से, तो ये जो है कौन सा कारक है? तो करण कारक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि रजनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रात्रि। रजनी का पर्यायवाची शब्द रात्रि। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर में अमीन में पूछा गया था। इसके एक और पार्ट में लाऊंगी, एक या दो जितने भी पार्ट हो जाए प्रीवियस ईयर के, जो कि आपको एग्जाम की तैयारी करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।